Good morning, all of you. So today we are going to start a new topic and that is Parliament. बच्चा, as I told you that government of India के कितने parts हैं? Three parts हैं. ये देखिए. We have discussed this in so many times in the class. Three parts हैं. Legislative, executive and judiciary. Legislative क्या काम करती है? Law making. Law बनाएगी. राज्यसभा, लोकसभा दोनों से कोई भी bill होगा, वो आएगा, उसके बाद वो act बनेगा. बाद में last में उसपे president की signature होगी. तो ये जो लेजिस्लेटिव है बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ लॉ मेकिंग का काम करती है. देन आता है एग्जीक्यूटिव, आपके प्राइम मिनिस्टर और उनके मिनिस्टर्स. वो क्या करते हैं, ये जो लॉ इन्होंने बनाया है उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, एनफोर्स करते हैं. ओके, अब हमारा जो जुडिशरी है बच्चा, वो क्या काम करता है, वो डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करता है और इंटरप्रिटेशन. सपोज आज मेरे और गार्गी के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट हो गया. गार्गी कह रही है कि नहीं ये लैंड मेरा है, मैं कह रही हूँ मेरा है. तो अब किसके पास जाएंगे हम लोग? डेफिनेटली हम लोग कहाँ जाएंगे? जुडिशरी में, या हम लोग कोर्ट के पास जाएंगे मेरा और गार्गी का इशू रिजॉल्व करने के लिए. या सपोज आपके टू स्टेट्स के बीच में, पंजाब और राजस्थान के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, वो कह रहा है नहीं ये रिवर वाटर मेरा है, दूसरा कह रहा है नहीं ये रिवर वाटर मेरा है, तो वो भी कौन रिजॉल्व करेगा? ये भी आपकी जुडिशरी रिजॉल्व करेगी. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और बिहार के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया, ठीक है, कोई इशू अराइज हो गया, बिहार कह रहा है मैं अपनी जगह सही हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा है मैं अपनी जगह सही हूँ, तो ऐसी कंडीशन में कौन जाएगा? ये डिस्प्यूट भी बेचा किसके पास जाएगा? ये भी जुडिशरी के पास जाएगा. और कौन सी जुडिशरी के पास? सुप्रीम कोर्ट. अगर क्वेश्चन आता है इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज इसमें सेंटर और स्टेट इन्वॉल्व है, वो किसके पास जाता है? वो हमेशा हमेशा सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाता है. सो एक तो सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा, आपका डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करेगा. दूसरा बच्चा इंटरप्रिटेशन करता है. वो इंटरप्रिटेशन मीन सपोज किसी लॉ को लेकर कोई कंफ्यूजन हुआ है, सो उस लॉ की व्याख्या कौन करेगा, उसको इंटरप्रिटेट कौन करेगा? आपका जुडिशरी ही करेगा हमेशा. कीप दिस थिंग इन माइंड. जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको भी रिजोल्व जुडिशरी ही करता है, एंड ऑल्सो जो इंटरप्रिटेशन का काम है वो भी जुडिशरी ही करता है. एक और चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लेजिस्लेचर है या जो आपके पार्लियामेंट है बच्चा, वो बायकैमरल है. बायकैमरल का मीनिंग क्या होता है चिराग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायकैमरल? ये मैंने आपको पहले भी बताया है. अर्पिता, रोहित, युग. मैम इंडिया के पार्लियामेंट के मैम दो पार्ट है. दो पार्ट, यस, बायकैमरल कहते हैं. मींस लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर आर टू पार्ट्स. ओके, एक और चीज जो हमारे इंडिया के लॉ से रिलेटेड बातें, ये हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड बातें हैं कि हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स है. देखो तीनों पावर्स अलग अलग ऑर्गन्स के पास है. लेजिस्लेटिव के पास उसकी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास उसकी पावर है, जुडिशरी के पास उसकी पावर है. ऑल्सो चेक एंड बैलेंस का रूल चलता है. मीन्स ये तीनों एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल करते हैं. अब इतना डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो इतना डिटेल में मैं नहीं कराऊंगी. स्टिल आई वॉन्ट टू लेट यू नो कि आपके इसमें क्या है, चेक एंड बैलेंस का रूल चलता है, कि ये तीनों बैलेंस करके चलते हैं अपने पावर्स को, एक दूसरे पे कंट्रोल करते हैं. ओके, चलो अब बच्चा आपके आर्टिकल 79 क्या कहता है? देयर शैल बी अ पार्लियामेंट. अब पार्लियामेंट में कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. जब भी कोई बिल आता है, देर आर फोर टाइप्स ऑफ बिल. कौन कौन से बिल होते हैं लास्ट में मैं आपको टॉपिक की बताऊंगी. सो अब कोई भी बिल सपोज लोकसभा में आया उससे पास हुआ, देन राज्यसभा में आया उससे पास हुआ, या पहले राज्यसभा में आया बाद में लोकसभा में आया, पास हुआ दोनों से उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा ओनली फॉर सिग्नेचर. उसमें प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत लिमिटेड है. यस रोहित. मैम आपने लिखा है कि मैम आर्टिकल 79-123 में पार्लियामेंट के बारे में बताया जाता है, तो मैम ये कौन से पार्ट में आता है? बच्चा ये आपके आर्टिकल 79, जस्ट अ मिनट. मैम कौन से पार्ट में आता है मैम 79-123? 79-123. उसके बाद हम बात क्या करते हैं, जब भी ये जाएगा बिल्स दोनों से पास होने के बाद किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा. और वो क्या बन जाएगा? एक एक्ट बन जाएगा, वो एक कानून बन जाएगा. ये सर पे था मैम.
आपको एक बार लास्ट में बताऊंगी। अच्छा ठीक है, अभी सिक्योर करके रखा है उसको। चलो अब आर्टिकल 80 देख लो। आर्टिकल 80 बच्चा सिर्फ स्ट्रेंथ के बारे में बता रहा है। ये हमने पहले भी आरएमएस 2020 जब हम रिजॉल्व कर रहे थे, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे, हमने तब किया था। राज्यसभा की कंपोजिशन आपसे पूछी गई थी, दैट इज 250 करा था, ये क्वेश्चन आया था। अब अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, ये टॉपिक्स वो टॉपिक है जो आपके ओवरऑल जितने भी एग्जाम्स लाइक आरएमएस से आगे आप आरआईएमसी की दोगे, अभी सैनिक भी आएगा, तो ये टॉपिक्स कॉमन टॉपिक है। ओके, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक होंगे वो हम क्या करेंगे, गूगल क्लासरूम पे ऐसे असाइनमेंट या फिर ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। ये आपका एक जनरल सिलेबस है। ओके, सो अब आपके जैसे आपने सॉल्व किया था आरएमएस, तो उसमें आया था कि कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है, तो 250 हो सकती है। उसमें 238 मैक्सिमम स्टेट्स और यूटीज से और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। 12 नॉमिनेटेड कौन करता है, प्रेसिडेंट ऐसे लोगों को नॉमिनेट करता है जिनको आर्ट कल्चर साइंस ऐसी फील्ड में कुछ स्पेशलिटी होती है और इनकी सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बट अब एट प्रेजेंट कितनी स्ट्रेंथ है, दैट इज 245। अभी भी 5-5 का स्कोप है, राज्यसभा चाहे तो अभी भी 5 मेंबर्स बढ़ा सकता है, बट अभी एट प्रेजेंट 245 है। उसमें 233 स्टेट्स हैं और 12 नॉमिनेटेड हैं। ओके, अब ये जो आपके राज्यसभा के मेंबर्स है बच्चा, उनको इलेक्ट कौन करेगा? देखिए ये पैराग्राफ वो रीड करिए, कौन इलेक्ट करेगा? रीड करिए, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल बी इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली, किसकी लेजिस्लेटिव असेंबली? ओके, इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ द मैम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अब यूजुअली बच्चा क्या है, सपोज 4 कैंडिडेट्स है, मन्नत, रोहित, अर्पिता और चिराग, ठीक है, ये चारों कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर राज्यसभा इलेक्शन। यास्मीन किसको वोट करोगे? शिक्षिका किसको वोट करोगे? ये आपके चारों कैंडिडेट्स हैं, किसको वोट करोगे? फटाफट बताओ मुझे, किसी भी एक को रैंडमली चूज कर लो। मैम अर्पिता। अर्पिता, ओके। शिक्षिका आप किसको चूज करोगे? मैम अर्पिता। वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। यूजुअली ये सिस्टम होता है ना कि जितने लोग खड़े हुए हैं उनमें से किसी एक को चूज किया जाता है, बट अब ये जो आपका सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उसमें किसी एक को वोट नहीं करना, उसमें आप सबको वोट कर सकते हो। सपोज चिराग है, अर्पिता, रोहित और दीक्षिता, ये चार है। सो अब मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पे, अर्पिता है, चिराग है, रोहित है और दीक्षिता है। अब लड़कियों ने क्या बोला कि हम किसको वोट करेंगे? अर्पिता को वोट करेंगे। बट अब इस सिस्टम में क्या होता है, आप अपनी चारों को वोट कर सकते हो, आपको प्रेफरेंस देनी होती है। सपोज मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दी अर्पिता को, सेकंड दी मैंने रोहित को, थर्ड प्रेफरेंस दी मैंने दीक्षिका को एंड फोर्थ दी मैंने चिराग। मींस पहली मेरी रिक्वायरमेंट कौन है, पहली प्रेफरेंस पे मेरे अर्पिता है, सेकंड पे रोहित है, थर्ड पे दीक्षिका एंड फोर्थ पे चिराग है। सो इस टाइप का जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जितने लोग खड़े होते हैं उन सबको वोट दिया जा सकता है। फिलहाल के लिए आप बस इतना समझो। ओके, गॉट इट? अर्पिता समझ में आ गई बात? चलिए, किसी को कोई डाउट इसमें? रोहित, एनी डाउट? दीक्षिका, मन्नत? नो मैम, नो डाउट। नो डाउट, चलिए। नो मैम, नो डाउट। तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ आर्टिकल 81 में आपका कंपोजिशन ऑफ लोकसभा दिया हुआ है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552, ठीक है, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। एट प्रेजेंट कितना है? 543। 543 क्यों है, इससे पहले 545 थे, बट 104th अमेंडमेंट के बाद में मैंने आपको बताया कि 2 एंग्लो इंडियन वाला जो प्रोविजन था, मीन्स लोकसभा में पहले प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियन को अपॉइंट करते थे, 104th अमेंडमेंट के बाद उसको हटा दिया गया है। तो इस वजह से अब एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है, दैट इज 543। 530 स्टेट्स हैं और 13 यूनियन टेरिटरीज हैं। उसमें से भी यूनियन टेरिटरीज में से मैक्सिमम 20 चुने जा सकते हैं, बट एट प्रेजेंट कितना है, एट प्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ 13 है। ओके, अब इसमें आपके नॉर्मल वोटिंग होती है, लाइक चार खड़े हैं तो हम सिर्फ एक को चूज करेंगे, हमने अर्पिता को वोट कर दिया, ठीक है। ये आपका सिंपल वोटिंग होती है लोकसभा में, जो वोटिंग होती है लोकसभा के मेंबर्स हम लोग चूज करते हैं, आपके पेरेंट्स जाते हैं, जो भी अच्छा लगता है, बीजेपी अच्छा लगता है, बीजेपी, कांग्रेस, आप जिसको मर्जी वो क्या करते हैं, वोट दे करके आ जाते हैं।
एक और चीज इम्पोर्टेंट बच्चा, हमारा जो बेस चल रहा है वो 1971 का सेंसस चल रहा है ना, उससे आगे के 2011 तक का सेंसस हो चुका है, लेकिन वो जनगणना नहीं चल रही, वो पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं कर रहा है। अभी तक हम कौन सा बेस चला रहे हैं? 1971 का बेस चला रहा है, ओके। और 2026 के बाद में जो फर्स्ट सेंसस होगा, बाद में उसको कंसिडर किया जाएगा। और ये सारे डाटा, जैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ उन्होंने यहाँ पे ये रखी, ये सारे डाटा क्या हो जाएंगे बच्चा? ये सारे के सारे डाटा आगे चल करके चेंज हो जाएंगे, 26 के बाद चेंज होंगे। जो भी फर्स्ट सेंसस आएगा, मीन्स 2031 में ही आएगा फर्स्ट सेंसस, तो उसके बाद या फिर 41 में आ गया, जब भी आता है बाद में आगे चेंज हो जाएगा। फिलहाल के लिए आपकी जनगणना कौन सी चल रही है? 1971। एनी डाउट? गार्गी कहाँ गई यार? हाँ जी गार्गी, व्हाई हैव यू स्विच ऑफ योर कैमरा? व्हाट आर यू डूइंग? देवांश, एनी डाउट? यास्मीन, एनी डाउट? अभय, चिराग, नो? चले आगे? नो मैम। चलो बच्चा, अब देखो ड्यूरेशन कितनी है। आपको पता है लोकसभा का ड्यूरेशन कितना होता है? 5 years। राज्यसभा के बच्चा 1/3 मेंबर जो है रिटायर्ड हो जाते हैं आफ्टर एवरी सेकेंड ईयर। इट मीन्स अगर लमसम इसकी हम ड्यूरेशन लगाएं तो इसकी कितनी हो सकती है? 6 years। बस 1/3 मेंबर क्या हो रहे हैं? रिटायर्ड हो रहे हैं हर सेकेंड ईयर के बाद, हर दूसरे साल के बाद 1/3 मेंबर क्या हो रहे हैं? रिटायर्ड हो रहे हैं। गार्गी बच्चा क्या हो रहा है? प्लीज स्विच ऑन द कैमरा। ऋषि, आदित्य, गार्गी, देवांश, ओके, डाउट फ्रॉम दिस? सिंपल ही है ये तो। चलिए, क्वालिफिकेशन क्या है? सिंपल, सिटीजन ऑफ इंडिया। एज अगर लोकसभा मेंबर है तो 25, राज्यसभा है तो 30, और कोई भी अदर क्वालिफिकेशन अगर जो पार्लियामेंट डिस्क्राइब करते हैं। सिंपल क्वालिफिकेशन है, याद रखना 25 फॉर लोकसभा एंड 30 फॉर राज्यसभा। उसके बाद बच्चा आपका आर्टिकल 89 क्या कहता है? चेयरपर्सन कौन होता है बच्चा राज्यसभा का बाय डिफॉल्ट? यस अर्पिता, यस चिराग, मैम वाइस प्रेसिडेंट। यस वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और वो अपने में से ही किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन चुन कर सकते हैं। हाँ जी बोलो। हमारे वेंकैया नायडू है। यस वेंकैया नायडू, वेरी गुड, ठीक है। तो और अपने में से वो किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन भी अपॉइंट कर सकते हैं, अगर चेयरमैन किसी कारणवश एब्सेंट है, कुछ रीजन है, बीमार है या कुछ है, तो वो अपने में से किसी एक को डेप्यूटी चेयरमैन चूज कर सकते हैं, जो क्या करेगा? उनके कामों को करेगा। इन दैट सेम वे जो आपके लोकसभा है, वो अपने में से किसी एक को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर। अभी एट प्रेजेंट स्पीकर कौन है? दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। एट प्रेजेंट हुज लोकसभा स्पीकर, आप मुझे बताएंगे कल। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपके सैलरीज और अलाउंसेस कैसे होंगे? या तो पार्लियामेंट डिसाइड करे कि उनको कितना सैलरी दिया जाना है, कितना अलाउंसेस दिया जाना है, या फिर जैसा सेकंड शेड्यूल में डिस्क्राइब है, दोनों में से। आर्टिकल 99 में ओथ लेते हैं, वो शपथ लेते हैं ना, ऐसे करके शपथ पढ़ रहे होते हैं, किसके सामने लेते हैं? प्रेसिडेंट, या फिर अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो किसी भी पर्सन का। सपोज आज प्रेसिडेंट ने रोहित को अपॉइंट कर दिया तो रोहित के सामने ओथ ले लेंगे, ठीक है। यूजुअली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही अपॉइंट किया जाता है, तो पहली तो जो है आपकी रिक्वायरमेंट दैट इज प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो किसी भी पर्सन को जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते उसके सामने ये ओथ ले लेते हैं। क्वोरम कितना होता है? मिनिमम 110। टोटल स्ट्रेंथ का मिनिमम 110 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उतने नहीं है देन द मीटिंग विल बी सस्पेंडेड, कोई मीटिंग नहीं होगी उससे। आर्टिकल 101 में डिस्क्वालिफिकेशन है। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? सपोज आज रोहित है, वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों का मेंबर अपॉइंट हो गया, तो किसी एक से उसको रिजाइन करना पड़ेगा, दोनों में तो रह नहीं सकता। या सपोज अब ये सिलेक्ट हो गया या तो लोकसभा और राज्यसभा और या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेचर का विधानसभा का मेंबर बन गया, तो फिर किसी एक को चूज करना होता है। ऐसे में आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है, अगर उस टाइम पीरियड में आप डिसाइड नहीं करते हो तो फिर आपको स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर अपॉइंट कर दिया जाता है, लोकसभा और राज्यसभा आपके लिए कैंसिल। फाइन, देन डिस्क्वालिफिकेशन इन आर्टिकल 102 क्या कहता है? अगर खुद रेजिग्नेशन हम दे देते हैं स्पीकर को या फिर चेयरमैन को। यस अर्पिता मैम, देन सी एम वेंकैया नायडू तो फिर तो वो भी वाइस प्रेसिडेंट भी है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी है, तो फिर उनको दोनों में अपॉइंटेड कैसे किया गया? तो फिर रोहित को अगर आपने एग्जाम्पल लिया तो फिर रोहित को भी दोनों में ही लिया जा सकता था। बट अब वाइस प्रेसिडेंट के इतने कुछ काम है ही नहीं ना, वाइस प्रेसिडेंट के इतना कुछ काम है ही नहीं ज्यादा, तो कुछ तो काम करे बेचारा। बट लोकसभा और राज्यसभा मेंबर्स जो उनके अपने अलग अलग काम है,
अपर हाउस और लोअर हाउस के इतने अच्छे ज्यादा काम है, वाइस प्रेसिडेंट के पास इतनी ज्यादा पावर्स नहीं है, इतनी ज्यादा वर्क नहीं है। आई विल शेयर द पीडीएफ, आप इसको रीड करिएगा। और ये टॉपिक मैं आपको क्लास में नहीं करवाऊंगी, मैं प्रेसिडेंट करवाऊंगी, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स है। और एक लास्ट अमेंडमेंट, ये कुछ एक टॉपिक्स है जो मैं आपको क्लासरूम में करवाऊंगी, बाकी आई विल शेयर द पीडीएफ। ओके, व्हाट डिड अर्पिता, बस उसको सिर्फ काम क्या करना है, उसको राज्यसभा में जाके बैठना है, जो राज्यसभा की जो प्रोसीडिंग है उसको एग्जीक्यूट करना है, और कुछ एक पावर जो वाइस प्रेसिडेंट की है वो यूज करनी है। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोविजन है कि वो बाय डिफॉल्ट ही चेयरपर्सन होगा ऑफ द राज्यसभा। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या होता है कि वो रेजिग्नेशन देगा। यस अर्पिता मैम, 102 आर्टिकल में जो डिस्क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है मतलब क्या होगा? या तो वो डिस्क्वालीफाइड कैसे करेगा अपनी पोस्ट से, कोई भी मेंबर, वेदर लोकसभा और राज्यसभा। अगर आप सपोज आप मेंबर हो, आपने रेजिग्नेशन दे दिया, रोहित चेयरपर्सन है, आपने रोहित को लाकर रेजिग्नेशन का पकड़ा दिया, खत्म बात, हो गई आपकी पोस्ट, ठीक है। उसके अलावा या तो आप क्या करते हो बच्चा, आपने कोई और वर्क करना स्टार्ट कर दिया, आप कोई और ऑफिस होल्ड कर रहे हो प्रॉफिट, या फिर मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गए, या फिर यू आर नो मोर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बिकॉज रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, दैट पर्सन शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आपने इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दी और आपने कोई और सिटीजनशिप ले ली है, तो ये सारे बच्चा डाइवोर्स के ग्राउंड्स हो जाएंगे। या तो आप खुद रिजाइन करो, या फिर जो ये डिस्क्वालिफिकेशन आपको आर्टिकल 102 में दी गई है, इन दोनों के बाद क्या हो जाएगा, आपकी जो पोस्ट है वो उसको क्या माना जाएगा कि आपने उस पोस्ट से आप हट चुके हो, आपने रिजाइन दिया, या फिर इन डिस्क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको हटा दिया गया। ओके, एनी डाउट दीपशिखा, समझ में आ रहा है बच्चा? यस मैम। ओके चलिए, प्रिविलेजेस। अब सपोज हम सब लोकसभा मेंबर्स हैं, तो अब हमारे पास क्या प्रिविलेज है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये नहीं कि आज मैंने कुछ बोला यहाँ पे मुझे कोर्ट में खड़ा कर दिया कि क्यों आपने बोला ऐसा, वाइल इन द मीटिंग ऑफ लोकसभा और राज्यसभा आपने ऐसा क्यों बोला, वी आर ऑल मेंबर्स, कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकती हमारे अगेंस्ट कोर्ट में, ठीक है। हम वोट कर सकते हैं, हमारी जो प्रोसीडिंग्स है उनको हम पब्लिकेशन कर सकते हैं, उनको छपा सकते हैं, बोल सकते हैं, ये सारी हमारी फ्रीडम है, उसको कोई बाउंडेशन नहीं। आज मेरी मर्जी में किसी को भी वोट करूं, या किसी बिल के फेवर में वोट करूं, या अगेंस्ट में वोट करूं, या कोई और रेजोल्यूशन आता है उस पर जैसे मेरी मर्जी में वैसे रिएक्ट करूं, बोलूं, मेरे ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी कि आपने ऐसे क्यों बोला। सपोज आज मैं रोहित को टारगेट करती हूँ कि आपने ये कहा, तो ये नहीं रोहित डिफेमेशन का केस ठोक दे मेरे ऊपर कोर्ट में कि चलो मैम मानहानि का केस करता हूँ मैं आप पे, वो चीज नहीं हो सकती है। बिकॉज इसमें आपको प्रिविलेजेस दिए गए हैं कि आप जैसे चाहे आप मीटिंग में आप बोल सकते। देखा ना कई बार हमारी जो देखा कितने जोर से चिल्ला रहे होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता बात कैसे करते हैं ये लोग। यानी आओ 107 में देखो, आपके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ऑर्डिनरी बिल होता है बच्चा, ठीक है। अब इसके कैसे होता है अभी फिलहाल मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपके कोर्स में नहीं है, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। देन 108 में जॉइंट सिटिंग इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लर्न कर लो। जॉइंट सिटिंग, सपोज किसी बिल को लेकर के कुछ आर्गुमेंट हो गया, कोई बिल आया है लोकसभा राज्यसभा में, कुछ डिस्प्यूट हो गया, एक ने पास कर दिया दूसरा पास नहीं कर रहा है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, दोनों की जॉइंट सिटिंग बुला लेगा, बुला लो सबको साथ, उसके बाद डिस्कशन करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन किसमें है, 108 में। 107 में ऑर्डिनरी बिल है, 117 में आपके फाइनेंस बिल है, 368 में अमेंडमेंट बिल है, 110 में मनी बिल। वही मैं सोचू मनी बिल गया था ये, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स आपको टिप्स पे लाने होने चाहिए, 107 ऑर्डिनरी बिल, 108 जॉइंट सिटिंग लिख लो, 110 मनी बिल, 117 फाइनेंस बिल, 368 अमेंडमेंट बिल। अमेंडमेंट कैसे होंगे किसी भी लॉ में, तो ये आपको टिप्स पे ये आर्टिकल्स लर्न होने चाहिए। मैं कभी भी पूछू, नींद में से भी कोई उठा के पूछे ना अमेंडमेंट किसमें है, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में, 368 जॉइंट सेटिंग कौन से में, 108। ओके, सो कुछ एक आर्टिकल्स आपको इस तरह से लर्न होने चाहिए। चलो, सो यही था आपके इस टॉपिक में, इससे ज्यादा हमें फिलहाल नहीं करना है, पार्लियामेंट आपका यहीं पे फिनिश होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।